替我也去。तुमसे मिलना है। क्यों मिलना है मुझसे? क्या वजह? तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रहे? जो कहने आई हो वो कहो। अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम यहां क्यों आई। इसमें तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि साफ साफ कहो। तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो मुझसे? अच्छा तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मैं कैसे बात करूं? बताओ क्या करने आई हो यहां? सलमान, कल पूरी रात तुम टेरेस पर टहलते रहे। कमरे में भी नहीं आए। मैं जानती हूं कि तुम परेशान हो। शेयर नहीं करोगे मुझसे? क्यों करूं मैं तुमसे शेयर? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। बीवी? तुम सिर्फ मेरी आंटी की बेटी हो। तो तुम्हें पता चल गया। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, लेकिन तुमने वादा किया था ना मुझसे कि तुम मेरे वालदैन को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। गलती समझकर माफ कर देना। इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो तुम? इतनी मोहब्बत करती है वो तुमसे, तुम्हें पता है वो दो रात से सोई नहीं है तुम्हारे। क्या करूं मैं? किसी पर रहम खाने का ठेका नहीं लिया हुआ मैंने। सलमान, वो कोई किसी नहीं है। पच्चीस साल तुम्हें मोहब्बत दी है उन्होंने, माँ है वो तुम्हारी और तुम आज उन्हें मेरी आंटी कह रहे हो। अच्छा तो तुम बताओ, बताओ मैं उन्हें मेरी नाटी ना कहूं तो क्या कहूं? कुछ भी किसी और ने पाला है। लेकिन मैं तो आज भी उन्हें अपनी माँ ही समझती हूं।
जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोचो से मैं सोचू। Really sorry यार, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये मेरी गलती है, मैं इसे एडमिट करता हूं। फिलहाल मैं यहीं पे अपने वालदैन के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे अपने वालदैन को तलाश करना है। उस घर में जाकर तो मैं खुद में ही खो जाती हूँ, तो किसी और को क्या खाक तलाश कर पाऊंगी? तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उनको ढूंढने में, मैं हूं तुम्हारे साथ। I'm really sorry. मेरी इंफॉर्मेशन गलत निकली और वो फैमिली तुम्हारी फैमिली नहीं थी, तुम्हारी उम्मीद टूटी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने कोशिश की, मेरा साथ दिया, आगे जो मेरा नसीब। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली जल्द मिल जाएगी। इंशाल्लाह चलता हूं, अपना ख्याल रखना। सुनो, थैंक यू मेरे लिए इतनी कोशिश करने के लिए।